देखो तो भाई साहब ने उठा के बोला तुम्हारे को हाइट पे उठाता हूँ और तुम अब ये पांडा कैसे देख पाएंगे भाई, इतने सारे लोग इतनी सी जगह में। वापस चलते हैं भाई हम तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी बिश्नोई एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं चाइना के चेंगडू शहर में हूँ और चेंगडू की पहचान है यहाँ के पांडा। चाइना के सबसे ज़्यादा फेमस जो पांडा है वो चेंगडू शहर के एक पांडा रिसर्च सेंटर में है और वहाँ पे जाने के लिए आपको टिकट बुक करना पड़ता है। अभी फिलहाल यहाँ पे हॉलीडे चल रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग हैं तो टिकट आपको सेम डे तो नहीं मिलता है, अगर आप पहले दिन बुक कर लेते हैं तो मिल जाता है। तो मैं कल गया था, एक बार धक्का खा के आया और फिर मैं वहाँ से टिकट लेके भी आया। तो अभी आज मैं फिर से जा रहा हूँ, 50 युआन की टिकट है, 50 युआन मतलब करीबन 550 रुपये की। तो यहाँ से मेट्रो लेनी होगी और मेट्रो के पास जाने के लिए यहाँ से साइकिल लेनी होगी। तो पहले लेते हैं साइकिल और उसके बाद लेते हैं मेट्रो और उसके बाद जाते हैं बस में पांडा देखने के लिए, ठीक है। तो पांडा कैसे हैं भाई, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, पांडा भी जीवन में देख तो लेते हैं यार, ये तो काम कर ही लेते हैं। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके एक बढ़िया कमेंट कर दीजिएगा। चाइना की जर्नी भी कैसी लग रही है, कुछ लोगों का डिमांड था कि भाई आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही है, तो मैं ऑडियो के लिए रोड माइक में रखता हूँ भाई साहब, मेरे पास है ऐसा नहीं है, लेकिन वायर वाला भी माइक है, दोनों यूज़ करता हूँ, कभी कभी नहीं भी यूज़ करता हूँ, तो कभी कभी कुछ लफड़ा हो जाता है कि ऑडियो ठीक नहीं आती है। लेट्स गो, मिलते हैं पांडा सेंटर पर साइकिल बस और साइकिल मेट्रो और बस के बाद। तो भाई साइकिल अनलॉक हो गया है, अभी हम इस तरफ चलेंगे, ठीक है, तो मेट्रो स्टेशन पे मिलते हैं। और ये भाई साहब रोड साफ कर रहे हैं, देखो एक बड़ा प्रेशर से पानी फेंक करके, ठीक है, तो ऐसा रिक्शा में भर के और बंद कर दिया, देखो जैसे ही सिग्नल बंद हुआ इसने भी बंद कर दिया। इस साइकिल सफारी से आधा काम तो भाई हल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी दूर जाना होता तो ये साइकिल बहुत ईजी है और 10-15 रुपये लेती है, लेकिन फटाक से हम पहुंच जाते हैं 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अभी हम चलते हैं सीधा। कोई 5-7 मिनट की साइकिल से 2 किलोमीटर पे स्टेशन पे पहुंच गया हूं। यहां पे मैं अभी गूगल मैप वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, मुझे पता है मैं रोज़ दूसरी बार आ रहा हूं इसलिए। तो अभी चलते हैं यहां से मेट्रो में पांडा रिसर्च सेंटर तक। और साइकिल में हर बार आपको बताता हूँ कि साइकिल बुक करता हूँ जो अली पे है उससे, और ये ब्लू वाली एक ही साइकिल है वो होती है, बाकी दूसरे वाला तो भाई बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगते हैं अकाउंट वेरीफाई के लिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए। भाई टिकट भी खुद से बुक कर सकते हैं क्योंकि ये इंग्लिश वर्जन भी है, तो आप स्टेशन का नाम पता करने के बाद अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। ये मेट्रो स्टेशन है भाई, यहाँ से निकलते हैं। मेट्रो पुलिस है, अब हम चलते हैं यहाँ से। सो अभी यहाँ पे हमें जाना पांडा एवेन्यू पे, जो यहाँ पे है 11 नंबर पे, और अभी हम यहाँ पे सिचुआन जिमनेशियम, तो देखते हैं शायद हम सही जाएंगे। अभी मेट्रो में हो, मेट्रो में भीड़ इस कदर आ रही है ना पांडा देखने के लिए, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी कितने सारे लोग आते हैं वहाँ पे, हजारों लाखों के लोगों की भीड़ आने वाली है वहाँ पे पांडा देखने के लिए। मैं कल गया हूँ, मुझे आइडिया है। मेट्रो स्टेशन के अंदर और मेट्रो के अंदर भी पांडा की झलक देखने को मिल जाती है, तो हम ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से बाहर निकल रही आपको पांडा के एवेन्यू के लिए, पांडा रिसर्च सेंटर जाने के लिए बस मिल जाएगी। ये है पांडा रिसर्च सेंटर जाने वाली बसें, और यहाँ से आपको ये भाई साहब जो बार कोड दे रहे हैं ना, इसको स्कैन करके 2 युआन पे करने हैं और फिर इस बस में बैठ सकते हैं। तो अभी हम यही कर रहे हैं और फिर इस बस में बैठ जाते हैं। सो 2 युआन की टिकट ले लिया और ये बस हमें ले जाएगी पांडा सेंटर पे। पांडा सेंटर यहाँ से कोई 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। ये बस हैं भाई साहब जिसमें हम बैठ के जा रहे हैं, और ये है चाइना के प्यारे प्यारे लोग। नाउ हैव अ सीट, इसके बाद दूसरी वाली बस आएगी। सो अभी हमारी बस यहाँ से निकल चुकी है और दीवारों पे किस तरह से कलर किया गया है, पेंटिंग बनाई गई है, और ये हाईवे है। बस में हमें यहाँ ला के उतार दिया और अब हम चलते हैं पांडा सेंटर में
आपको एक गजब की जानकारी देता हूँ कि इस दुनिया में अभी करीबन 2,000-2,500 पांडा ही बचे हुए हैं। तो चाइना यहाँ पे 300-400 पांडा इस ब्रीडिंग सेंटर में रख करके उनका ब्रीडिंग कर रहा है और ज़्यादा पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें वो सक्सेस भी हुआ है। और बाकी 1800 के आसपास जो है, मतलब 300-400 इधर है, 1800 के आसपास जो है जंगलों में रहते हैं, थोड़े बहुत म्यांमार और वियतनाम की बॉर्डर के आसपास बम्बुओं के जंगल में रहते हैं, बाकी ज़्यादातर है वो चिड़ियाघर में ही है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं इस जगह पे, ये सारी टैक्सियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है और अभी हम चलेंगे अंदर। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं टिकट लेने के लिए यहाँ पे कल आ गया था, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। कल मैं घूमने के लिए आया था लेकिन जगह नहीं थी, तो मैं वापस चला गया टिकट लेकर और आज की टिकट खरीद लिया। अब चलते हैं यहाँ पे। बिजनेस करने का तरीका है भाई सब जगह पे, कि यहाँ पे जाने के लिए जाना इस तरफ है लेकिन इधर से आए, इस मॉल के अंदर जाओ, मॉल के अंदर से उस तरफ जाओ, ऐसा सिस्टम बना रखा भाई। सो भाई यहाँ पे आ चुके हैं और अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और अभी तो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। चलते हैं। सो भाई हम धीरे धीरे पांडा सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखो इतने सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं, सारे लोग पांडा देखने जा रहे हैं, तो हम भी इसी तरफ जा रहे हैं और गोल गोल इसके अंदर घूम रहे जाली में। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पांडा सेंटर में एंटर होने की गेट है, तो बहुत सारे लोग हैं मैनेज करने के लिए। यहाँ पे जाली में घुमाया जा रहा है गोल गोल, तभी यहाँ पे हम ढंग से पहुँच पाएंगे। इस जगह पे आपकी आईडी स्कैन होती है। फाइनली दुनिया के जियांट पांडा देखने के लिए हमें एंट्री मिल गई है और उन्होंने चेक किया हमारा आईडी जिससे हमने बुक किया था, तो अभी हम चल के देखते हैं आगे पांडा। ये है पांडा सेंटर का पूरा मैप और अभी हम कहाँ पे हैं, सन हिल एरिया, स्टार फॉरेस्ट, ट्रेजर लेक। लेट्स गो भाई, चलते हैं पांडा जी को ढूंढते हैं कि पांडा जी कहाँ पे मिलेंगे, रियल लाइफ में पांडा कैसे होते हैं, अभी तक हमने कभी देखा नहीं है। साइट सीइंग बस साउथ गेट, बीच बीच में ऐसे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, आई लव चाइना ऐसा लिखा हुआ है। हम चलते हैं आगे। ये झंडा वाले को आप समझ लीजिए कि इनके साथ कोई ग्रुप है, तो वो इनके पीछे पीछे चलेगा। इन्होंने जितनी रेलिंग बनी है ना उस पर चिड़ियाओं के फोटो लगाए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर किए, लेकिन यहाँ पे चिड़िया एक भी नहीं है पूरे चाइना में। घूम लो स्पारो, देखो धीरे धीरे हम इस तरफ उतरते जा रहे हैं गोल गोल घूमते हुए। अभी तक कोई पांडा वंडा हमें दिखाई नहीं दिया है, लोग दिखाई दिए। और यहाँ पे शायद पांडा देखने को मिलेगा, कुछ लगा हुआ है कांच वाच। देखो कांच लगा हुआ, पांडा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से घना जंगल बनाया गया है और जहाँ पे भी लोगों को लगता है कि पांडा हो सकते हैं तो वहाँ पे लोगों का जमावड़ा लग जाता है। यहाँ पे देखो भाई साहब बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। उनको शायद रोक के रखा है क्या। हाँ इन इधर रोक के रखा हुआ है, देखो पुलिस खड़ी है और धीरे धीरे जाएंगे। माल का सीन है, इतने सारे लोग। ओ भाई लोगों की भीड़ अब चल निकली है, इस तरफ जाने के लिए छुट्टी मिल गई है। ओ भाई यहाँ तो घने बम्बू है बस, पांडा तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है।
घूमते घूमते तो भाई साहब इस तरफ चलते हैं, शायद पांडा देखने को मिले। लेकिन यहाँ तो लाइन लगी है भाई साहब। ओ भाई साहब देखो आगे देखो, क्या रियल में यहाँ पे पांडा है? अब ये पांडा कैसे देख पाएंगे भाई, इतने सारे लोग इतनी सी जगह में। वापस चलते हैं भाई, हम तो दूसरी तरफ जाके देखते हैं पांडा जी को। इधर तो पांडा जी के लिए बहुत भीड़ लगी हुई है, यहाँ तो भाई लाखों लोग खड़े हैं। इस हिसाब से तो लगता है आज भी पांडा देखने को नहीं मिलेगा। शायद यहाँ पे पांडा, ओ भाई साहब ये देखो पांडा यहाँ पे रहा। लेकिन ये तो भाई एकदम वाइट तो दिख ही नहीं रहा है। ये भाई सब लाइव कर रहे हैं फोटोग्राफी वगैरह। पांडा वहाँ लकड़ों के बीच में सोया हुआ आपको दिख रहा होगा शायद। ये भाई दो पांडा यहाँ पे सो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं देख रहे इस तरफ। तो पांडा देखने से ज़रूरी है कि जान बचा के रखिए और सेफ रहिए, ये ज़रूरी है। तो पांडा तो और भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन भीड़ और भगदड़ में जाने से बेहतर है कि आप सुरक्षित रहो। यहाँ पे भी कुछ फोटोग्राफर्स हैं, महिलाएं बड़े बड़े कैमरे लिए हुए देखो। और यहाँ पे एक और पांडा जी है, वो भी सो रहे देखो यहाँ पे, बहुत बड़ा विशाल का है। ये पांडा भी है ना बहुत ठंडा प्राणी होता है, जब धूप वगैरह निकलती है ना तो ही ये चलता फिरता है, बाकी तो भाई सोता ही रहता है ये भी ज़्यादातर टाइम पे। ठंडी में तो सोने का ही काम करता है। ओ भाई साहब ये विशाल का है पांडा रिसर्च सेंटर है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पांडा है, लेकिन कहते ना वही चिड़ियाघर वाला माहौल ही है। भाई साहब आखिरकार भीड़ में आ ही गए, और अब भीड़ के अंदर ही जाना पड़ेगा मुझे लगता है। कितने सारे लोग हैं यार भाई देखो। और ये मेरे साथ है चूविंग, ये स्टूडेंट है और ये भी पांडा देखने के लिए आई है। इससे ज़्यादा हमें आता नहीं है लैंग्वेज, बस मौज करो, देखे एक दूसरे को हंसो। हेलो हाउ आर यू। ओ भाई चली चली ये गाड़ी, चली ये भीड़ चली। अब हम भीड़ के अंदर ही चलते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक फाइनली पांडा दिखाई दिया है। यहाँ के लोग इसी पांडा को देखने के लिए मतलब तरस रहे हैं, पता नहीं उनको इतना क्रेज है कसम से। पांडे का जो शक्ल दिख जाए तो ये गांडे हो जाते हैं। ये रहा, ये देखो भाई पांडा भाई यहाँ पे सो रहा है, कोई भाव नहीं दे रहा है। और यहाँ पे पांडा की डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लिखी हुई है देखो, 15 अगस्त 2011 को जन्म लिया है, फीमेल है जो इस तरफ बैठा है ऊपर वही। यहाँ पे देखो आपको सिर्फ लोगों के माथे ही दिखाई देंगे, हेड दिखाई देंगे टोटली। जैसे यहाँ पे पांडा दिखाई दिया, लोगों में एक कौतूहल और माहौल बन गया कि वाह वाह पांडा पांडा। देखो भाई देखो, देखो ये पांडा जी सब ऊपर ही बैठे रहते हैं, ये भी और देखते ही नहीं है, सो रहे हैं। इसी पांडा को देखने के लिए ये सारे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं गोल गोल, और इतनी सारी भीड़ यहाँ पे आ रही है। वाह
वाह, अब एक वांडा है जो बिल्कुल मौज मस्ती करता हुआ आपको दिखेगा, बिल्कुल क्लोज से आगे चल के वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो भाई यहाँ पे दो तीन पांडा है जो वॉक कर रहे हैं। ये देखो झूले पे बैठे, ये तो झूला खा रहे भाई, खाना खा रहे, झूला खा रहे। ये देखो भाई बॉम्बू का पेड़ जो हिल रहा है वो पांडा जी हिला रहे हैं, वो पकड़ पकड़ के और हाथों में ले लेके बम्बू को खा रहे हैं। देखो वो भाई साहब, इधर लोग देखो, लोग आगे निकल ही नहीं रहे, बस इस पांडा को कैमरा में कैद करने के लिए यहाँ ही पर अटक गए। और ये लोग छोटे छोटे तो इनको तो दिख ही नहीं रहा भाई साहब। ओ भाई साहब देखो पांडा जा रहा है देखो, और बम्बू साथ में ही लेके जा रहा है। वाह कमाल है ये तो। ये देखो और ये ऊपर ऊपर लकड़ों पे चल रहा है भाई साहब। वाओ चलो 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 चलो। और एक पांडा देखो वहां पे बैठ के झूले में झूला खा रहा है। यार ये तो अजीब प्राणी है देखो। ओ भाई साहब क्या गजब का पांडा है ये तो। ओहो वाह भाई वाह। और ये भाई देखो पांडा आ रहा है देखो चलते हुए। ओ भाई साहब क्या बात है। दो पांडा है, एक इधर आ रहा है और एक यहाँ पे बैठ के बॉम्बू खा रहा है देखो। ये देखो भाई ये देखो। ओ भाई साहब क्या बात है, फाइनली पांडा चलते हुए देखी गया। ओ माय गॉड। तो ये दोनों जियांट पांडा यहाँ बैठ के मौज मस्ती कर रहे हैं देखो भाई साहब। ओ भाई साहब ओ भाई साहब। कैसे कर रहा है ये सब, मस्ती कर रहा है क्या कर रहा है। और ये भाई भालू की तरह ही दिखता है कुछ। ये देखो इसके पास आ, ये बम्बू है ना दूसरी जगह से लेकर के आया देखो। एक दिन में कई किलो बम्बू खा लेते हैं। मेरे पीछे को तो भाई साहब ने उठा के बोला तुम्हारे को हाइट पे उठाता हूँ और तुम फोटोग्राफी करो। देख लो। और ये देखो नीचे की तरफ लटकने लग गया भाई देखो। ओ भाई साहब ये देखो उल्टा लटक रहा है। और वाह चलो आगे। ये देखो कैसे लटक रहा है भाई, उल्टा लटक गया पूरा। अजीबो गरीब खेल है ये तो। ये देखो भाई अभी तक उल्टा लटक रहा है क्या, अभी सीधा हो गया। और ये है असल पांडा चाइना के।
इनके मुझे लगता है कुछ जैसा कुछ सीन है पीछे की तरफ। ये मस्ती बाज है भाई। ओ भाई साहब देखो दोनों बड़े ही मस्ती खो रहे, उल्टा पुल्टा होके दोनों मस्ती कर रहे। देखो ये गला पकड़ लिया, देखो। ओ भाई इसके पंजे भी काफी खतरनाक दिख रहे हैं, देखो बिल्कुल जैसे भालू या रीस होता वैसा ही कोई सीन है। ओ हो 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 हो, बहुत प्यारे लग रहे भाई, वास्तव में बहुत प्यारे लग रहे हैं। पांव बड़े छोटे छोटे हैं। भाई दोनों भाई लगे हुए हैं मस्ती करने में और लोगों को कर्तव्य दिखा रहे हैं। अब मैं थोड़ा लोगों को भी दिखा देता हूँ कि क्या सीन दिखता है यहाँ से। जब पांडा मिल जाए ना तो देख लो लोगों को। अब हम क्या करें भाई, इस तरफ तो आगे रास्ता बंद है तो हम इसी तरफ जाते हैं। ओ भाई साहब इधर एक लाल छोटा सा पांडा वाला जो सीन है वो यहाँ जंगल में घूम रहा है। देखो ये देखो ये देखो। लो भाई ये एक, ओ भाई छोटे वाला पांडा आज यहाँ पे है जो भोजन पानी कर रहे हैं। पूरा जो खाने का बर्तन है उसको उल्टा कर दिया भाई ने, बहुत भूखा लग रहा है। चाट चूट के साफ कर दिया भाई ने, देख लो जी। लो अभी उसमें कुछ नहीं बचा है भाई, बंद कर दो। इसका मूड खराब हो गया भाई, देखो ये इतना नाराज दिख रहा है ना शायद लोगों को देख करके। देखो फोटो वोटो गिरा के काफी खुश है मैडम में। देखो भाई ओके भाई, इस छोटे प्राणी को देखने के लिए इतने सारे लोग। अब दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे वही है भाई देखो लाल वाला। बंबू खा रहे भाई देखो। और इनके पास एक पिकॉक है भाई, देखो एक मात्र है ये, देखो यहाँ पर पिकॉक पिकॉक। ये सब लोग बैठे हुए विश्राम करते हुए, ये पुलिस की कार छोटी सी। देख लो भाई सिर्फ चार पांडा देखने को मिले और ये झाड़ियाँ और अंधेरा हो रहा है, बारिश भी आने की पूरी संभावना बनी हुई है तो यहाँ पे सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है ये बम्बू के झाड़ काफ़ी ज़्यादा पेड़ जो है गहरे हैं तो शायद
बारिश थोड़ी बहुत आएगी तो हम टिक पाएंगे। चलते हैं आगे कंटिन्यू, क्या देखने को मिलेगा आगे चल के। भाई इस हजारों लाखों लोगों की भीड़ और ये विशाल का एरिया में मैं तो आ गया वापस। यहाँ पे घूमने के लिए पूरा एक दिन चाहिए तो भी आप पूरा नहीं घूम पाओगे। तो अभी बाहर चलते हैं धीरे धीरे। ये देखो सभी लोग जा रहे हैं वापस, तो हम भी जा रहे हैं वापस बाहर की तरफ। हेलो नियाओ, वाई यू फेस। जितना जोश से अंदर जाते हैं ना वापस बड़े मुश्किल से आते हैं भाई साहब। थोड़ी देर में थक जाते हैं अंदर जाके और फिर वापस चलते की कोशिश करते, फिर थके हुए बाहर जाते हैं। ये शायद फ़ोटो वोटो लेना है या कुछ चक्कर चल रहा है तो वो पीछे पीछे भाग रहे हैं और मुंह छुपा रहे हैं। अभी कुल मिला के इस जगह का रिव्यू किया जाए तो दो बार मैं यहाँ पे धक्का खाया सिर्फ पांडा देखने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो वर्थ नहीं है। इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता यार एक पांडे को देखने के लिए, इतना सारा झोल करने का है, मुश्किलें उठाने का। लेकिन आप जब आओगे तब इतनी भीड़ नहीं होगी तो ठीक है आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, हाथों हाथ टिकट भी मिल जाएगी। लेकिन कुल मिला के ठीक ठाक है, आ सकते हो देखने के लिए अगर पांडे में इंटरेस्टिंग है तो, नहीं तो बस ऐसे ही चलता रहेगा जर्नी। ये तो सिलसिला जो हमारा काम है वो हमको बताना ज़रूरी है कि क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेट्स गो। तो वापस जाने के लिए बस मिल गई, दो युआन पे किया करीबन 22 रुपये के आसपास और ये हमें छोड़ देगी मेट्रो स्टेशन पे। कोई 1.5-2 किलोमीटर मुश्किल से होगा। पानी की बोतल छोटी वाली का 30-35 रुपये बस, खाचा खाच भरी हुई है। जियांट पांडा देखने के बाद हम पहुंच गए यहाँ पे और इस जगह को बोलते हैं हॉन्ग किंग ब्रिज, ऐसा कुछ नाम है। अब हम यहाँ से साइकिल लेते हैं, 2.5 किलोमीटर साइकिल पे चलते हैं, ठीक है। ये सामने जो आपको गेट दिख रहा है यहाँ पे एक फेमस टेंपल है जिसको शायद नाम है समसू टेंपल, समसू। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं और बारिश भी आ रही है। आज हमारे पास जुगाड़ नहीं है, ना जैकेट लाया ना रेनकोट लाया और आज ही बारिश आ रही है। हर रोज़ मैं लेके घूमता हूँ, जब नहीं लाते ना तब भी मुश्किल आती है। जहाँ पे मंदिर वगैरह होते हैं ना वहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी होता है और मंदिर में भी खाना मिलता है, ऐसा मेरे को सुनने में आया। तो अभी मैं इस जगह पे हूँ और इस जगह को आप देखिए, पुराने बहुत मकान लकड़ी के बने हुए। और अभी हम चलते हैं यहाँ पे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। ये है टेंपल का एंट्री गेट, तो मुझे लगता है ये टेंपल ही लग रहा है। कहीं नाम पे तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन हमारे पास साइकिल है तो इसको कहीं रख देते हैं। ये तो भाई मंदिर नहीं है, तो होटल है। तो होटल है वो मंदिर जैसा लग रहा है। हेलो चलते इस तरह। मेरे पीछे दो आंटियां कुछ जाप कर रही है। बहुत तेजी के साथ पढ़ाई कर रही है लेकिन क्या भजन गा रही है कुछ समझ के बाहर लग रहा है। पुराने पुराने मकान है और ये आंटी देखो बड़े बड़े अमिताभ बच्चन वाले लंबे वाले वाइट जूते पहन के घूमर घाल रही है। निहाओ इंडिया या सो इन दिस एरिया हैव टेंपल टेंपल या वेयर दिस एरिया सो ग्रेट गो इन इनसाइड या ऑफ कोर्स या आई वांट सुची फूड सुची फूड सुची सुची फूड या समवन से लाइक बाय। से आंटी बोली कि यहाँ पे मेरी दुकान है कुछ, तो आप इधर जाके खाना खा के वापस आ जाओ। मैं यहाँ पे एक वेज रेस्टोरेंट है वहाँ पे जा रहा हूँ। और क्या खाने को मिलता है यहाँ पे, एक वेंसू करके टेंपल है, वेंसू। तो वेंसू वाला टेंपल तो अभी बंद हो गया, वो बोल रहे कि सुबह सो लेट हो गए।
ये कुछ एंशियंट टाउन है, देखो चेंगडू का ट्री है। और आंटी देखो इसी गली में बढ़िया लंबी सी सिगरेट मारती हुई जा रही है। यहाँ पे सिगरेट भाई आम बात है। तो अभी यहाँ पे ये तो जबरदस्त एरिया है यार, बहुत फेमस एरिया लगता है, अनबिलीवेबल। सोचा नहीं था कुछ ऐसा ही रेस्टोरेंट और ऐसी मार्केट यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक कैसे खाना खा रहे हैं यहाँ पे, अलग तरीका है। एक हांडी रख दी है, कोयला है जिसमें गरम गरम खीरे हैं और फ्रूट सिंग और कुछ ये सब दिया जाता है और आपको बैठ के खाना है और चाय वगैरह ये सब सिस्टम है यहाँ पे। हेलो नी हाओ। ओ भाई साहब ये तो गजब मार्केट, देखो चाय कैसे गर्म हो रही है। चाय का ठेला है ये, सारे जितने देख रहे चाय के ठेले हैं। तो भाई ये चीज़ें तो हर शहर में मौजूद है, देखो पुराने घर, एंशियंट घर कह सकते हैं, देख लो। वाओ, पर यहाँ पे इतने सारे लोग नहीं है जितने डाली में थे। ये देखो ये भाई क्या पेड़ लगा बीच में। हर शहर में एंशियंट टाउन है भाई। इस खूबसूरत जगह पे रेस्टोरेंट है और ये देखो भाई वो भी वेजिटेरियन है। तो अभी हम उसी को ढूंढ रहे हैं कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट कौन सा है। You have to say it's not a real meat. China में जब मैं यहाँ आया तो इन्होंने बोला कि आप भी हमारे साथ चलो और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो ये वेजिटेरियन का खाना कुछ ऐसा होता, देख लीजिए सबको यहाँ पे एक तो अजीब तरीके सिस्टम है, सबको एक एक चूल्हा दे दिया जाता है गैस के साथ में और तपेली के अंदर वो जूस वगैरह जो सूप वगैरह कुछ ऐसा डाल देते पानी वगैरह और इसमें सब्जियाँ वगैरह डाल के आप पका पका कर खाओ। ये देखो ये मैं सब्जी यहाँ से लेकर के आया, आलू सब कटा हुआ और इसके अंदर डाल के मैं पका रहा हूँ और फिर मैं इस प्लेट में लेके खा रहा हूँ। इसमें सारी चीज़ें आ गई, फ्रूट से लेकर के सब कुछ, और ये सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, सबके पास एक एक चूल्हा है। अब मैं देखता हूँ कि सब्जी, आपको दिखाता हूँ कि सब्जी क्या सीन है। ये एक पूरा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो जैसे ही आप इस रेस्टोरेंट में आते हैं वहाँ से आपको एक प्लेट वगैरह दे दी जाती है और यहाँ पर देखो ये बिल्कुल मिर्ची पाउडर, नमक, शक्कर, धनिया और ये है यहाँ पे कटा हुआ प्याज, धनिया, फिर ये सिंग है, ये कुछ अलग अलग प्रकार के ऑयल है, चटनी है, सब कुछ। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हो यहाँ पे मक्की का भुट्टा, कुछ ब्रेड, अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ जैसे कि आप देख सकते हैं गोभी हैं, टमाटर हैं, कुछ अलग अलग पत्तों वाली सब्जियाँ हैं, ये सारी देखो भिंडी, ये सब सब्जियाँ, मशरूम, ये सब यहाँ पर होता है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं आपको कुछ तरबूज फ्रूट वगैरह भी दिए जाते हैं और भी कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे है, चाय वगैरह दी जाती हैं। फिर ये इन्होंने कुछ वेज खाना है लेकिन इसको है ना मीट का रूप दिया है, मतलब मशरूम से बना हुआ है लेकिन आपको दिखेगा जैसे कोई नॉन वेज जैसा सीन है लेकिन ये बिल्कुल नॉन वेज नहीं है। तो ये चीज़ें ये बनाते हैं। तो ऐसा कुछ खाने का सिस्टम है यहाँ पे भाई साहब वेज रेस्टोरेंट में, ये पूरी तरह वेज है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे बैठ के खा रहे, देखो इस तरह से चाइनीज लोग खाना खाते हैं और ये हमारे होस्ट हैं जो मुझे होस्ट कर रहे हैं, इनके घर पे मैं रुका हुआ हूँ 2 दिन से। ये इनके दोस्त हैं, ये भी इनके दोस्त हैं, ये भी सब इनके दोस्त हैं और इनके घर पे रुका हुआ हूँ। मैं